और चलिए सैर पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको कश्मीर की हसीन वादियों की सैर करवाने लेकर चलते हैं। कश्मीर में भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन कश्मीर सैलानियों से चहकने लग गया है। बर्फीली वादियों को देखने और कोहरे में लिपटे नजारों का दीदार करने के लिए भारी तादाद में टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं। कश्मीर समेत लद्दाख के द्रास और करगिल इलाके में बर्फबारी के बाद ऐसा दिलकश नजारा देखने को मिल रहा है जिसका शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। कश्मीर के इसी शानदार नजारे को समेटने के लिए इन दिनों सैलानियों की भीड़ वहां मौजूद है। जमीन के सीने पर तने चांदी से चमकते पहाड़ और उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अंश, पेड़ों की टहनियों पर झूलती संगमरमर सी ये बर्फ, मकान की छतों से लेकर घर के आंगन तक जमी ये बर्फ, सहरा में बर्फ, बहारों में बर्फ, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये तस्वीरें कश्मीर की हैं, उसी कश्मीर की जिसे न जाने कितनी ही बार दुनिया की जन्नत करार दिया गया, और इन तस्वीरों को देखने के बाद शक की गुंजाइश भी कहां बचती है। कश्मीर के द्रास, सोनमर्ग, गुरेज और गुलमर्ग इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि हर कोई बस देखता रह जाए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मौसम का मिजाज बदला तो कश्मीर के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पिछले दो दिन से पहाड़ी इलाकों में कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और लद्दाख क्षेत्र में भी कल इस मौसम की दूसरी बर्फबारी जो है देखी गई। अगर द्रास करगिल की बात की जाए वहां पर 3 से 6 इंच बर्फबारी जो है अलग अलग इलाकों में बीती रात हुई है और आने वाले 3 दिनों तक भी इसी तरह के मौसम के रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल इस बर्फबारी से तापमान में कश्मीर में और गिरावट आएगी और तापमान फिर कश्मीर में एक बार लुढ़केगा। द्रास से लेकर लद्दाख तक बर्फ ने अपनी सफेद चादर को फैला दिया है। ये बर्फबारी स्थानीय लोगों को भी सुकून दे रही है। बहुत ही जरूरी चीज है ताकि स्नोफॉल की वजह से जो है हमारे जो एग्रीकल्चर जो है आने वाले टाइम में जो है वो अच्छा रहता है, तो हम उम्मीद करते हैं और ज्यादा स्नोफॉल हो ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो है ताकि हमें कोई पानी की भी प्रॉब्लम ना है। जब ज्यादा बर्फ होगा तो यहाँ पे विंटर गेम्स की एक्टिविटीज भी शुरू होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक खुशी की बात है जो आज स्नोफॉल हुआ। कश्मीर की इन बर्फीली वादियों को देखने, महसूस करने और हमेशा के लिए अपनी यादों में बसाने, उनसे जीवन में खुशियां भरने के लिए हर साल देश विदेश से सैकड़ों सैलानी यहां पहुंचते हैं। कश्मीर के हसीन और दिलकश नजारों को अपनी यादों के आंचल में समेटने के लिए, उन्हें अपनी आंखों में भर लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ कश्मीर का रुख कर रही है। कश्मीर के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए इस बार जितनी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं उससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि सीजन में सैलानियों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कश्मीर की सैर करने आए पर्यटकों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है क्योंकि बर्फबारी का इंतजार खत्म हो गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और क्या बोल सकते हैं, मतलब जो आंख में देख लिया है ना, मतलब और कुछ नहीं, बहुत बहुत सुंदर लगा कश्मीर, बहुत सुंदर लगा। सबको आना चाहिए यहाँ पे। डल लेक तो मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे तो अभी हमको रील्स बनाना है, तो इसलिए मेरे को और भी मजा आ रहा है कि ये जगह बहुत सुंदर है, जन्नत जन्नत ही है एकदम। कश्मीर की बर्फीली वादियाँ, कोहरे में लिपटे रास्ते और झील लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठहरिए, बैठिए और जरा अपनी आंखों में इस संगमरमरी नजारे को बसा लीजिए। और इन नजारों को अपनी आंखों में बसाने के लिए भारी तादाद में सैलानी कश्मीर पहुंच रहे हैं, लिहाजा कश्मीर सैलानियों से गुलजार है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं शिमला की खूबसूरत वादियों का, जहां सर्द मौसम में सैलानियों का जोश देखते ही बन रहा है। फिलहाल शिमला का पारा औसत से कुछ ज्यादा है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ठंडी फुहारों के साथ बर्फबारी इन वादियों को अपनी आगोश में लेने को तैयार है। शिमला की फिजाओं में अभी मस्ती का रंग घुलेगा, सैलानियों की रौनक और बढ़ेगी। हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में जहां बर्फबारी के आसार हैं, वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। यानी एक और जहां पहाड़ी इलाकों में मौसम बहारा है, वहीं मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड की छुट्टी होने वाली है।
ये शिमला की वादियों की रौनक है। मॉल रोड हो, कुफरी हो या कियाला फॉरेस्ट, हर जगह उत्साहित सैलानियों का जमावड़ा है। गुड न्यूज ये है कि शिमला और आसपास के इलाकों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। फिलहाल औसत न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक दो दिन में यहाँ बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। जाहिर है इस मौसम में शिमला की वादियाँ और चमकेंगी और निखरेंगी। 48 आवर्स में कुछ जो हाई रिचेज है उसमें हल्की स्नोफॉल की अभी भी संभावना है। 48 आवर्स में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के ऊपर के हिस्से और कुल्लू के भी ऊपर के एरियाज आ जाते हैं जहाँ पे हो जाता है। लेकिन 11 तारीख के बाद जो मैं बता रहा हूँ स्पेल, जो काफ़ी एक्टिव बैड स्पेल है, उसमें जो हैवी स्नोफॉल है चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा के भी ऊपर के एरियाज, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है, होने की संभावना है। फिलहाल सैलानी शिमला की इन खूबसूरत वादियों में जमकर तफरीह कर रहे हैं, सर्दियों के इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं और इनकी खुशियों में चार चांद लगाने, बर्फबारी बस दस्तक देने ही वाली है। इट्स बेटर नाउ, मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के वेदर। हमें एज कम्पेरेटिव टू चंडीगढ़ हमें यहाँ पे बेटर लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा है, फॉग वगैरह ज्यादा है और ठंड वगैरह ज्यादा है, तो एज कम्पेयर टू चंडीगढ़ शिमला इज बेटर। हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मैदानी इलाकों के लिए गुड न्यूज ये है कि यहाँ गर्माहट बढ़ेगी और इसी के साथ सर्दी और कोहरे से भी निजात मिलेगी। लेकिन खबर ये भी है कि एक छोटे से ब्रेक के बाद सर्दी फिर जोर दिखाएगी। 11 से 13 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में बर्फ या बारिश होने का अनुमान है। वहीं 11 से 12 जनवरी के बीच में पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, यानी जल्द ही मौसम थोड़ा सा बदलेगा लेकिन ठंड जारी रहेगी और ठंड का प्रकोप आसानी से लोगों से दूर नहीं होने वाला, इससे राहत नहीं मिलने वाली। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, जीएनटी के लिए। और पहाड़ी इलाकों की सैर के बाद रुक करते हैं मैदानी इलाकों का। जब बात सैर सपाटे की आती है तो लोग फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का रुक करते हैं। हमारे देश में ऐसी ढेरों जगह हैं जहां बेहद खूबसूरत नजारे हैं लेकिन वो इतने मशहूर नहीं है। ऐसे ही एक जगह यूपी के चंदौली में है। जी हाँ, दरअसल देखिए यूपी सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है जिसके तहत उन जगहों की पहचान की जा रही है जो आने वाले वक्त में टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। इस पहल के तहत चंदौली की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ये खूबसूरत झरने, ये दिल को मोह लेने वाली हरियाली, प्रकृति की गोद में बसा ये है उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। भला इतनी खूबसूरत जगह पर कौन नहीं जाना चाहेगा, लेकिन अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद इस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पर वो बड़ी पहचान नहीं मिल पाई जो इसे काफी पहले मिल जानी चाहिए थी। हालांकि अब ये सब बदलने वाला है, ये जगह भी सैलानियों की भीड़ से गुलजार होने वाली है और इसे मिलेगी विश्व स्तर की पहचान। दरअसल सरकार इस जगह को इको टूरिज्म के लिहाज से विकसित करने जा रही है और इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अभी जो सरकार की मंशा है वो ये है कि जो हमारे अनदेखे अनछुए पर्यटन स्थल हैं उनको हम विकसित करें और पर्यटकों को और सुविधाएं दें जो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। प्रशासन पर्यावरण बचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एक खास मिशन में जुटा हुआ है। ये जगह ट्रैकिंग के लिए शानदार है। यहाँ औरवतार वाटरफॉल और राजदारी वाटरफॉल है, साथ ही जंगल की सफारी के लिए भी काफी बड़ा इलाका है। इसी को देखते हुए अब वहाँ पर्यटकों को एडवेंचर गेम की सौगात भी दी जा रही है। इसके लिए रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन और लो रोप कोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा इलाके में बांस से बनी दुकानें, वुड रेलिंग और पार्किंग तैयार की जा रही है।
कि यह इलाका जो है वो जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है, वाराणसी से जो है यह इलाका तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सड़कें अच्छी हैं, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है यहाँ पर, और अब इस इलाके को जब इको टूरिज्म के नाम पर विकसित किया जा रहा है तो आसपास के लोगों को का जो यहाँ के ग्रामीण हैं आसपास के उनकी भी उम्मीदें जगी हैं। सरकार के इस प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन बढ़ जाने से यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाहरी लोगों का आना यहाँ बढ़ेगा तो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार लोग करेंगे, बढ़ावा मिलेगा और विश्व पटल पे नौगढ़ का नाम रोशन होगा। चंदौली वो जिला है जहाँ कभी नक्सलियों की धमक सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब इसका नक्शा देश के पर्यटन मानचित्र में एक अहम जगह बनाने को तैयार है। बस अब एक हरी झंडी का इंतजार है। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं गाजियाबाद का, जहां एक झील लोगों को बहुत भा रही है। जब आप यहां जाएंगे तो आपको किसी आइलैंड की फील मिलेगी। इस झील को एक इंजीनियर ने तैयार किया है। आपको बता दें इस झील को मछली पालन के मकसद से विकसित किया गया है, लेकिन यहाँ टूरिज्म से जुड़ी एक्टिविटीज भी हो सकती है। यहाँ बोटिंग की भी सुविधा है। यहाँ और भी कई खूबियां हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। बोट में सफर करते हुए इन किनारों को देखकर ये यकीन करना लाजमी है कि आप या तो किसी बड़े टूरिस्ट स्पॉट या फिर किसी लेक सिटी में हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये बताया जाएगा कि ये ना तो किसी लेक सिटी की तस्वीर है और ना ही किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जिसे नक्शे में दर्ज किया गया हो, ये तस्वीर है गाजियाबाद के एक ऐसे फिशरी फार्म की जो 50 एकड़ में फैला है और अपने इस आकार की वजह से यह अब एक आइलैंड की तरह से नजर आने लगा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ क्या दिखता है आपको? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल। अगर आपको घूमने के लिए कह दिया जाए तो आप कहाँ जाएंगे? इन्हीं मॉल्स में जाएंगे। लेकिन हम आपको गाजियाबाद में एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ आपको 50 एकड़ में ये झील दिखाई पड़ेगी और इस झील के बीच में है एक छोटा सा टापू, आइलैंड कह लीजिए, और यहाँ पर आप आइए अपने परिवार के साथ और खूब मस्ती करिए। हालांकि आपको हम बता दें कि कुछ साल पहले तक ये जो आप 50 एकड़ में फैली झील देख रहे हैं ये एक प्लेन एरिया हुआ करता था, सिर्फ जमीन थी यहाँ पर। इस फिशरी फार्म को अमली जामा पहनाने वाले हैं रजनीश कुमार, जो बीटेक है और कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुके हैं, लेकिन नौकरी छोड़कर जब उन्होंने मछली पालन का फैसला किया तो फिर उसे कुछ इस तरह से पूरा किया गया। तो हमने सबसे पहले इसको डेवलप किया, फिर फिश फार्म, फिश स्टॉक की, इसमें पैरेलली एक साल बाद हमने ये टापू बनाया, आइलैंड बनाया। सर एक्चुअली अगर आप देखें हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, तो 75 साल में तकरीबन हमने पूरे इंडिया में 20 लाख जिसे हम पोखर बोल लें, तालाब बोल लें, पोंड बोल लें या वाटर बॉडीज बोल लें, वो हमने खत्म कर दी। या तो एनक्रोचमेंट हो गया या वहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, पशुओं के घर बना दिए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्ट दिखता है नेचर पे। रजनीश को ये जमीन मत्स्य विभाग की तरफ से लीज पर मिली है, जिसे डेवलप करने में उन्हें 5 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उन्होंने इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि यहाँ वो मछली पालन के साथ ही कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर सके। यही वजह है कि यहाँ एक टापू सा नजर आ जाता है जहाँ छोटे मोटे आयोजन किए जा सकते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैर सपाटे के बाद अब बात फूलों की कर लेते हैं। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर कहा, जहां फूलों की प्रदर्शनी लगी है और सैकड़ों किस्म के फूल यहां लोगों को लुभा रहे हैं। जी हां, फूलों की खुशबू से पूरा आलम महक रहा है। इस प्रदर्शनी में केवल फूलों को ही नहीं सजाया गया बल्कि मौसमी फल और सब्जियों को भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए कई कलाकृतियां भी यहाँ बनाई गई है।
कर लेते हैं पराक्रम की। आपको हम लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर हो रही है अग्निवीरों की ट्रेनिंग। जी हां, 2000 से ज्यादा अग्निवीरों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जोश और जज्बे के साथ ये अग्निवीर खुद को देश सेवा के लिए तैयार करने के मिशन में जुटे हुए हैं। अग्निवीरों की ट्रेनिंग किसी तपस्या से कम नहीं। या अग्निवीरों को हर हालात के लिए तैयार किया जाता है, मतलब यहां उनकी अग्नि परीक्षा हो रही है, जिसमें तप कर वो खरा सोना बनेंगे। इन जाबाजों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना है। ये अग्निवीर हर भारतवासी की उम्मीद है। बात देश की आन बान और शान की है। देश की सेवा में कोई कसर न रह जाए, ऐसे में ये अग्निवीर इन दिनों हैदराबाद में सेना के आर्टिलरी सेक्टर में खूब पसीना बहा रहे हैं। इनकी ये ट्रेनिंग नए साल में शुरू हुई है। जिसमें कभी वो रस्ते पर अभ्यास करते दिखाई देते हैं, तो कभी हथियारों के बीच इनकी बारीक सीखने की कोशिश करते हैं। पहले हफ्ते में ही हम बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और आगे चल के हमारी ट्रेनिंग ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे सोल्जर बन पाएंगे, देश के लिए कुछ कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि अभी 2265 अग्निवीर ट्रेनिंग ले चुके हैं। इन्हें 31 हफ्तों तक ये कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 10 हफ्तों तक बेसिक, फिर 21 हफ्तों तक एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड एंड टू टेक ऑन एनी काइंड ऑफ टास्क वंस दे रिपोर्ट टू देयर यूनिट्स। सेना की कोशिश है कि इन जवानों की कड़ी अग्नि परीक्षा ली जाए, ताकि वो हर मुश्किल हालात से लड़ने में सक्षम हो। किसी भी संकट के समय वो मैदान में हर बाजी जीत कर आए। जितने अग्निवीर आए हैं, मैं इन सभी से जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत ही मोटिवेटेड हैं और ये सब चाह रहे हैं कि अपने आप को प्रूव करें, बेस्ट अपना रिजल्ट दें, ताकि ये टॉप 25% में आए। और हम इनको बिल्कुल परफेक्ट एक ट्रेंड सोल्जर के फॉर्म में भेजेंगे, जो कि यूनिट्स में जाकर के अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस बैच के अलावा मार्च में भी अग्निवीरों का एक और जत्था यहाँ पहुँच जाएगा, जिसे सेना में शामिल होने से पहले एक और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात उस खुशी की जो 7 दशक के इंतजार के बाद मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की टेथन टॉप गुजर बस्ती में जब 75 साल बाद बिजली आई, तो गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जी हाँ, देखिए, अब इस इलाके में बिजली के खंभे लग चुके हैं, ट्रांसफार्मर लग चुके हैं, बल्ब रोशन हो गए हैं, अंधेरे ने विदाई ले ली है। तो जाहिर सी बात है कि गांव वालों के लिए अपने एहसास को शब्दों के जरिए बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। दिन में जलते हुए इस बल्ब का सूरज से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है, न ही इसे किसी की गलती की वजह से जला हुआ छोड़ा गया है, बल्कि ये रोशनी शुक्रिया करने के लिए जलाई गई है हुकूमत को, जिसने 75 साल बाद ही सही टेथन टॉप गुजर बस्ती के अंधेरों को दूर किया है। यह एहसास कितना बड़ा है, इसे बिजली विभाग के अधिकारियों के स्वागत से समझ सकते हैं, जहां टेथन टॉप गुजर गांव में जश्न मन रहा है। जहां गांव में बिजली का बल्ब जलाते ही उत्साह से लोग नाचने लगे। आपको पता है कि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ बिजली लाना बहुत दुश्वार है, महकमे के लिए काफी दुश्वार था। तहम मरकजी मावनत वाले सिक्किम और महकमे की अंत तक कोशिश, बरसों पुराना ख्वाब पूरा हो गए। घाटी में पड़ने वाले इस जिले की इमारत में गोलियों की गूंज सुनाई दी और गोलों की चमक दिखाई दी। अंधेरों को दिया या मशालों की लौ ही चीरती रही, लेकिन अब ये गुजरे जमाने की बात होगी, क्योंकि अब गांव तक खंभे पहुंच चुके हैं, ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और अंधेरे ने विदाई ले ली है। इस एहसास को लफ्जों में समेट पाना मुश्किल है, लेकिन अब गांव वाले इस बात से मुतमईन हैं कि ये उजाला सिर्फ उनकी जिंदगी को ही नहीं, भविष्य की पीढ़ियों को रोशन करने वाला है। बिजली हमारे लिए तो बहुत जरूरत थी, लेकिन हमने बच्चे पढ़ाए वो लकड़ी जला के, मेरा एक बेटा उसने MA किया है वही लकड़ी जला के, लेकिन अब ना रोजगार है उसको ना कुछ है, ऐसे ही अब दर बदर हो रहा है। जी, हमारे दूसरे बच्चे इंशाल्लाह वो आगे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। इस गांव को ये सौगात PM डेवलपमेंट पैकेज स्कीम के तहत मिली है। इसमें करीब 200 लोगों की आबादी वाला ये गांव रोशन हो रहा है और तस्वीर घाटी की चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोहड़ी को आने में अभी वक्त है, लेकिन
13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाएगी। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक खास लोहड़ी मनाई गई है। ये लोहड़ी बेटियों के नाम रही। नवजोत ने इस खास लोहड़ी के रंगों को कैमरे में समेटा है। तो बताएं नवजोत, बेटियों की इस लोहड़ी को क्या खास बनाता है? देखिए, नॉर्मली जो परंपरा है वो ये है कि नवविवाहितों की पहली लोहड़ी होती है या बेटा पैदा होता है तो पहली लोहड़ी होती है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य के साथ बेटियां भी समाज के लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, बस यही मैसेज देने के लिए लोहड़ी मनाई गई। की जो कहानी प्रचलित है वो मुगल काल में रॉबिन हुड की कहानी है, दूल्हा भट्टी वाला की, लेकिन उसके बाद जो प्रचलित हुई है लोहड़ी वो इस तरीके से हुई कि जिसके घर में बेटा पैदा होता था वहां पर पहली लोहड़ी मनाई जाती थी, लेकिन कंसेप्ट बदल चुका है क्योंकि सोच भी बदली है और सोच के साथ साथ बेटियों को भी वही दर्जा आजकल समाज में दिया जा रहा है। इसीलिए बेटों की लोहड़ी बाद में पहले तियां दी लोहड़ी, और इसीलिए ये कोशिश है कि बेटियां भी हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने बेटे। गिद्दा, भांगड़ा और लोहड़ी, यही है पंजाब की वो पहचान जो नए साल के सबसे पहले त्योहार के रूप में देश में दर्ज होती है। और इसे खास बनाने की कोशिश की गई है गाजियाबाद के मोदी नगर में, जब इसे बेटियों के लिए समर्पित कर दिया, यानी एक ऐसी लोहड़ी जो बेटियों वाली है। निष्काम सेवा संस्थान की तरफ से मनाई गई लोहड़ी को नाम दिया गया धियां दी लोहड़ी, यानी बेटियों की लोहड़ी। एक वक्त था जब बेटों की लोहड़ी कहते थे। आपकी बेटी की लोहड़ी कैसा लग रहा है आज? पहली लोहड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी भी बेटी की लोही मनाई जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि एक सोच बदली है समाज में बेटियों को लेकर? बिल्कुल बदली है, बेटियों को लेके बहुत ज्यादा सोच बदली है। पहले लोग कहते थे कि बेटा ही होना चाहिए, लेकिन कहते हैं आज के टाइम में कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। मुझे लग रहा है इसको कुछ बोलना है। क्या नाम है आपका बेटा? गुनीता। अच्छा लग रहा है, ये ड्रेस पसंद आई आपको? संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी संस्था हमेशा ही अलग करने की सोचती आई है, यही वजह है कि इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के तहत किया गया। निष्काम से जत्था हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। हम लोगों का एक मोटिव होता था कि जब भी करें कुछ अलग करें, तो उसी में हमारी जो बच्चे हैं उन बच्चों ने सोचा कि क्यों ना इस बार कुछ अलग करके बेटियों की लोहड़ी मनाई जाए। तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसा रहेगा, ठीक रहेगा गलत रहेगा, लेकिन जब हमने इस पे काम करना शुरू किया, आप यकीन मानिएगा इतना पब्लिक का रिस्पॉन्स, इतना उत्साह, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। देखिए, कुछ ऐसी बेटियां जिनको हमें लगा कि उनको हमारी जरूरत है, आज हम उन लोगों को, उन बेटियों को 51-51 सौ रुपए का चेक देने जा रहे हैं, और हम उनसे ये कहेंगे कि आप इस 51 सौ रुपए को जो है उस बेटिया के नाम को FD कराएं या कुछ भी कराएं, उसके बाद हमें प्रमाण दें। और बाकी बेटियां हमारे परिवार की हैं, जो कुछ हमारे नॉन टू की हैं, सिख परिवार की, निष्काम जत्थे की, उनके साथ हम एक सेलिब्रेशन टोकन ऑफ लव देके कर रहे हैं। वैसे तो लोहड़ी पंजाब का त्यौहार माना जाता है, उसमें भी सरदारों का, लेकिन मोदी नगर के इस कार्यक्रम में मजहब और सूबे की दीवारें भी तोड़ दी गई, यानी उन बेटियों को भी सम्मान दिया गया जो सिख धर्म से ना होकर दूसरे धर्मों की हैं। लोहड़ी का त्यौहार जहां एक तरफ नवविवाहितों के लिए, घर में नए पैदा हुए बच्चे के लिए बहुत अहम होता है, वहीं दूसरी तरफ किसान इस त्यौहार को नव वर्ष के तौर पर भी मनाता है, क्योंकि इसी दिन से नए वर्ष की शुरुआत भी होती है, और इस दिन चाहे मूंगफली रेबड़ी हर चीज लाकर और अपनी फसल को एक तरीके से अग्नि के समक्ष रखकर अग्नि का शुक्रिया अदा भी करता है। गाजियाबाद से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मकर संक्रांति की। खुशियों के इस त्यौहार पे खुशियों का इजहार भी खास तरीके से होता है। पर्व की उमंग आकाश में उड़ती पतंगों में दिखती है, भले ही मकर संक्रांति अभी दूर हो लेकिन पतंगों के रंग बिखरने लगे हैं। बात करें गुजरात की तो गुजरात में पतंगबाजी के तो फेस्ट चल रहे हैं, वहां पर अहमदाबाद हो या फिर वडोदरा, काइट फेस्टिवल का रंग यहां पर खूब जम रहा है, आकाश रंग बिरंगी पतंगों से पटे हुए हैं। तो वहीं पंजाब में भी मकर संक्रांति के मौके पर होने वाली पतंगबाजी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आसमान के कैनवस पर ये पतंगबाजों की कलाकारी है,
गुजरात के वडोदरा में काइट फेस्टिवल का रंग जमा है। पतंगों के जरिए आसमान छूने का आनंद मनाया जा रहा है। यहाँ पतंग को ढील देने वाले विदेशी हैं और पतंग की चरखी थामने वाले भी विदेशी। और तो और पतंगों की रंगत भी विदेशी है, लेकिन काइट फेस्टिवल का यहाँ का मिजाज शुद्ध गुजराती है। Kite festival very interesting because a lot of people, a lot of countries in this festival. A lot of festival little, local, but festival in Gujarat it's very biggest. पतंगों का रंग केवल गुजरात में ही नहीं जमा, अमृतसर में भी पतंगों से आसमान नापने की तैयारी है। बाजार रंग बिरंगी पतंगों से पटे हुए हैं। एक से बढ़कर एक पतंग बाजार की रौनक बढ़ा रही है। छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की पतंगे दुकानों की रौनक बढ़ा रही हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार की लोहड़ी शानदार पतंगबाजी के नाम होगी। बहुत डिजाइन है, बड़ा अच्छा बिजनेस है और लोग बड़े गुड्डे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हैं। उनको क्रेज है बड़े गुड्डों का। गुड्डों में साइज 6 तावा, 3 तावा, 1.5 तावा, तावा, पौना, 4 तावा। कितने फीट के होते हैं? जो 6 तावा होता है वो 6 फुट का, जो 3 तावा होता है वो 3 फुट का। जाहिर है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कुछ दिनों तक आसमान ऐसे ही खूबसूरत पतंगों से सजने वाला है। पंजाब के माहौल से साफ है कि इस बार जमकर पेच पर पेच लड़ने वाले हैं। तो वहीं गुजरात में इस बार पतंग की तरह पतंग के कारोबार के भी आसमान छूने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब हम आपको नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन कार्यक्रम की एक झलक दिखाते हैं। पाली में हुए इस रंगारंग कार्यक्रम में स्काउट्स का जोश हाई था, अनुशासन दिखाई दिया, साथ ही मिनी इंडिया के दर्शन भी यहां पर किए गए। बिल्कुल, इस खूबसूरत प्रोग्राम में देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति और कला के रंग भी देखने को मिले। देखिए, दिल खुश कर देने वाला ये नजारा। शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। रिलीज होने के चंद घंटे में ही ट्रेलर को लाखों लोगों ने देखा और ट्रेलर के बाद फिल्म को लेकर अब फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। श्याम बॉलीवुड के किंग खान करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पे पठान से वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है, को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। फिल्म पठान के जरिए किंग खान करीब 4 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किंग खान की पठान को दर्शकों का प्यार कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं उस फिल्म की जो पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अवतार 2 की। पूरी दुनिया में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, लिहाजा फिल्म खूब कमाई भी कर रही है। भारत की बात करें तो भारत में इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। अब तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 454 करोड़ की कमाई कर ली है और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अवतार 2 का नया कीर्तिमान, तोड़ डाला एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड। पता है मैं आपको अजीब लगती हूँ, पर उसका एहसास है मुझे। भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बनी अवतार 2। उसकी धड़कन सुन सकती हूँ, वो बहुत करीब है। पर्दे पर दिखा जेम्स कैमरून की नीली दुनिया का कमाल। जबरदस्त।
454 करोड़ की कमाई के साथ फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करें तो इस लिस्ट में अवतार 2 फिलहाल 7वें नंबर पर है और नंबर 1 पर है इसी फिल्म का पहला पार्ट यानी अवतार जो साल 2009 में रिलीज हुआ था। पानी की राह हर चीज को जोड़ती है, जिंदगी से पहले और मौत के बाद भी। ये घर है हमारा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और तुम्हें दिल मजबूत करना होगा। सोलह दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म अवतार 2 का जिस तरह से अभी पूरी दुनिया में क्रेज बना हुआ है उसे देखते हुए लगता है कि फिल्म अपने पहले ही पार्ट का रिकॉर्ड जल्द तोड़ देगी और फिर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली दोनों फिल्म अवतार और अवतार 2 होंगी। खैर इसमें तो अभी वक्त है लेकिन भारत में ये कमाल हो चुका है क्योंकि अवतार 2 अब भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन चुकी है। भारत में इस फिल्म को इंग्लिश और हिंदी के अलावा तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया गया था। फिल्म एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी और सुपर हीरो से बनी इस फिल्म की नेट कमाई भारत में 373 करोड़ 22 लाख रुपए थी। बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। फिलहाल भारत में अवतार 2 अपना नया कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है लेकिन देखना अब ये है कि क्या ये फिल्म दुनिया भर में भी नया रिकॉर्ड बना पाती है या नहीं। मुझे यकीन है हम जहां भी हों ये परिवार एंटरटेनमेंट डेस्क गुड न्यूज टुडे हमें सुरक्षित रखेगा। आजकल जो है ना अदिति बहुत बिजी रहती हैं इंस्टाग्राम पे। खैर हम असलियत नहीं बताएंगे कि वो कहाँ बिजी रहती हैं तो गड़बड़ हो जाएगी लेकिन हाँ पोस्ट तो हम सब ने कुछ ना कुछ की है और करने भी वाले हैं तो वो भी देखिए और जाकर चेक करिए बॉलीवुड स्टार्स क्या कुछ पोस्ट कर रहे हैं। बेबी सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ तो। यार तू पागल है क्या, एक ही दिन दो दो लॉटरी कैसे लग सकती है। सुनो ना मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हमारी दुश्मनी कब हुई भैया। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। 3 साल से अंग्रेजी में फेल हो रहा हूँ मैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, कॉलेज वाला टीचर घटिया रखा हुआ है। एक दिन कहता आई का मतलब मैं, अगले दिन कहता मी का मतलब मैं, पागल साले। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए। जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। देखिए हमारा शो भी चाय की टपरी की तरह है, यहाँ भी चाय के साथ चकल्लस वाली महफिल सजती है और यहाँ की बातें तो नेवर एंडिंग होती है। क्यों शक कोई शक नहीं है इस बात में। तो देखिए घड़ी इशारा कर देती है वरना हम तो चाय कंटिन्यू करते ही हैं। अब मैं ये कहूंगी कि उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा हर रोज की तरह क्योंकि मुझे पता है कि आपका ये फेवरेट वाला शो है। और वैसे भी चाय हो या बातें या खबरें मजा तो सबको आता है भाई, एक भी साथी एब्सेंट हो तो हम उसे मिस करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे शो की खासियत है कि अच्छी खबरें गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी बातें यही मिलती है। कल फिर आइएगा चाय की इसी टपरी पे 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।